ये क्वेश्चन लिख लिया। ठीक यस सर। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। इमेज मैट्रिक्स का साइज क्या है? इमेज मैट्रिक्स का साइज क्या है? 100 बाई 100। हाँ, तो इतने पिक्सल हो गए 100 बाई 100, और एक पिक्सल की वैल्यू कितने बिट है, जो ग्रेड लेवल कहाँ से कहाँ है, 0 से 127, टोटल 128 ग्रेड लेवल्स हैं। 255 255 लिखाया है। हाँ, तो आएगा। कितना हो गया फिर इसके लिए, 255 के लिए कितने हो जाएंगे? 0 से 255। हाँ, 0 से 255 हो जाएगा ना, 256 टोटल ग्रे लेवल्स है। यदि टोटल ग्रे लेवल्स 256 कर लो, उनको 256 लिखाया है क्या? 255 256 कर लो, टोटल ग्रे लेवल्स 256 है ना। तो ये 8 बिट पिक्सल साइज हो गया, 8 बिट। तो 100 बाई 100 इतने तो हो गए, टोटल टोटल पिक्सल्स हो गए। 100 बाई 100 का मतलब हो गया 10,000, 10,000 हो गया। 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 8 बिट, कितने बिट हो गया? 8 बिट एक पिक्सल की साइज है, 80,000। 80,000। अब इसको यदि हम किलोबाइट में चेंज करें, या चलो छोड़ो किलोबाइट में चेंज मत करो, 80,000 बिट हो गई। अब लिंक की रेट क्या है, लिंक की ट्रांसफर रेट क्या है, वो कितने रेट से वो ट्रांसफर कर रही है? 20 KBPS। 20 है ना, यस सर। 20 20 KBPS, तो किलो बिट पर सेकंड हो गया। इसको जरा बिट में ही चेंज कर लेंगे, तो किलो की जगह अपन कितना लिख देंगे, 1000। ट्वेंटी यस ट्वेंटी थाउजेंड हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। क्यों? सर। 20,000। अभी 20,000 एक सेकेंड में 20,000 को ट्रांसमिट कर दे रही है लिंक। और हमारे पास टोटल कितने हैं? 80,000। 80,000। तो कितना टाइम लगेगा, एक सेकेंड में 20,000 बिट्स जा रही हैं, तो 4 सेकेंड, 4 सेकेंड। तो ये आंसर क्या आ जाएगा इसका? 4 सेकेंड। हाँ, 4 सेकेंड। अब इसमें मैंने आप लोगों के लिए एक PDF सेंड की थी, उसमें हाँ उसमें क्या है कि इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शंस उसमें दिखाए गए थे, तो मैं उसको ओपन कर लेता हूँ।
ये थोड़ा टाइम लग रहा है अभी एक देखिए स्क्रीन आ गई क्या आपके कंप्यूटर पे लैपटॉप पे? यस सर। यस सर। ये तो हमने पढ़ाई दिया था सैम्पलिंग और वो स्पेशल रेजोल्यूशन ग्रे लेवल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन में नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स से रिलेट करते हैं और उसमें ग्रे लेवल में पिक्सल कितने बिट का है इससे रिलेट करते हैं। अब आ जाते हैं हम इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शंस में। इसको यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे। एक ये सेकंड नंबर का देखिए, जब मेरा कर्सर मूव कर रहा है ये सेकंड नंबर का है, इससे अच्छा समझ में आएगा। देखिए ये एक डायग्राम टाइप का है, ग्राफ टाइप का है। इसमें एक्स एक्सिस दे रखी है और वाई एक्सिस दे रखी है। ये हॉरिजॉन्टल है, ये एक्स एक्सिस है जहाँ मेरा माउस कर्सर कर रहा है, जो आप जानते भी हैं। और ये जो बाई एक्सिस है ये तुम्हारा उसका ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में जो पिक्सल की वैल्यू आएगी वो होगी। तो यहाँ पहले हॉरिजॉन्टल पर ये वैल्यूज़ क्या क्या डाली गई हैं ये चीज़ समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल पर हमने पिक्सल की वैल्यूज़ ली हैं और मान लो 8 बिट साइज है पिक्सल का, तो पिक्सल की वैल्यू 0 से लेकर के 255 तक इसमें एक्स एक्सिस पर ये डिनोट की गई है। ये आर का मतलब ये हो गया कि पिक्सल की वैल्यू, ओरिजिनल पिक्सल की वैल्यू, और एस का मतलब हो गया कि उस पर कुछ फंक्शन अप्लाई करने के बाद में मॉडिफाइड जो अपडेटेड वैल्यू आएगी उसे एस कहते हैं। और जो आर का मतलब है कि जो ओरिजिनल उसमें मैट्रिक्स में पिक्सल की वैल्यू दे रखी है वो। तो आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी बताओ जरा। यदि हमारा 8 बिट का पिक्सल साइज है तो एक्स एक्सिस में जो आर दिखाया गया एक्स एक्सिस आर माना गया है, तो कहाँ से कहाँ तक वैल्यू जाएगी, इसकी मिनिमम क्या होगा, मैक्सिमम क्या होगा? जीरो मैक्सिमम आर। मिनिमम जीरो मैक्सिमम आर। मैक्सिमम आर। आर आर मैं बता तो रहा हूँ ना कि इस हाँ 8 बिट है तो हाँ 8 बिट है ना, तो ये फिर मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जाएगी इसकी 8 बिट से मैक्सिमम कहाँ निकाले? 255 हो गई ना जीरो से।
8 बिट में ग्रे लेबल्स देखते हैं तो कहाँ से कहाँ तक वेरी करते हैं, जीरो इंक्लूड हो गया इसलिए एक उधर से घट गया, 256 से यस सर, 255 रह जाएगा ना। तो एक्स एक्सिस पर कहाँ से कहाँ तक ये रेंज है इसकी, 0 से 255, ओके ये सर, ठीक है। अब ये तो तुम्हारी जो वैल्यू हो गई वो ओरिजिनल इमेज की जो मैट्रिक्स है उसमें ये, अब हम ये कह रहे हैं कि भाई जो जिसकी वैल्यू 110 है वो चेंज होकर के हाई हो जाए, थोड़ी सी बढ़ जाए। मान लो मैं ये चाह रहा हूँ कि 110 से बढ़ करके वो 150 हो जाए और 111 की वैल्यू 151 हो जाए, तो जो मैं हमारी इनपुट ओरिजिनल मैट्रिक्स की वैल्यूज हैं उनको हम उसको चेंज कर रहे हैं और अपग्रेड और उसको चेंज करके मॉडिफाई करके अपन दूसरी वैल्यू ले रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि जो वैल्यूज जीरो के साइड में आती हैं, जीरो की तरफ टेंड करती हैं, वो तो होती हैं तुम्हारी एक तरीके से हम कहेंगे डार्क वैल्यूज होती हैं। और जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते हैं 255 की तरफ, तो 255 पर पूरा वो लाइट वैल्यू आ जाती है, वो ब्राइटनेस आ जाती है, 255 पर पूरी ब्राइटनेस मिलेगी आपको। तो डार्कनेस से ब्राइटनेस की तरफ जाना है तो हम किधर से किधर मूव करेंगे, जीरो से लेकर के पिक्सल वैल्यू जीरो वाली जो साइड है, ज़्यादातर 10 20 25 30 35 40 ऐसे आ रही हैं। यदि मैं पूरी इमेज को ये इसी रेंज में डाल दूं सारे पिक्सल की वैल्यू को, कि 5 10 15 20 16 18 19 20 35 ऐसे में पूरी इमेज में यही पिक्सल्स की वैल्यू होंगी, तो वो इमेज ब्राइटनेस नहीं होगी उस इमेज की। और यदि मैं यही यदि मैं इसमें इमेज में मैट्रिक्स में क्या वैल्यूज डाल दूँ, 230 240 241 255 ऐसी वैल्यू में डालूँगा अपर रेंज की, तो उस इमेज की जो ब्राइटनेस है वो ज़्यादा आएगी। तो डार्क ये चीज़ आप समझ लीजिए। अब हमने क्या किया कि हम चाह रहे हैं कि ये जो इमेज की पिक्सल वैल्यू हैं इनपुट वाली या ओरिजिनल वाली वो चेंज हो जाए। अब इसमें सेकंड नंबर का जो ये कर्सर से दिखा रहा हूँ, आप देख रहे हो कि इस पॉइंट के पॉइंट पर के की वैल्यू कुछ भी मान लीजिए 150, तो 150 पर हम क्या देख रहे हैं कि 150 से आगे की वैल्यूज कितनी कर दी गई है बताइए। 150 से पहले की जो वैल्यूज हैं वो इसने कितनी कर दी, और 150 के बाद की वैल्यू है वो इसने ग्राफ से हमें देखने को मिल रहा है कि 150 से पहले की जो वैल्यू हैं पिक्सल वैल्यू कितनी हो गई, जीरो। देखिए एक्स एक्सिस पर हम मूव कर रहे हैं और के तक जाएंगे तो 150 तक जाएंगे, तो 150 तक जाएंगे तो ये कहाँ से, जीरो से 150 गए, और जीरो से 150 पर गए तो हमने जो इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में वैल्यू निकल के आ रही है वो कितनी आ रही है, सप्रेस कर दी उसने, जीरो 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 ये कर दी ना इसमें ग्राफ, ये इसमें आप देख पा रहे हो क्या इसको। यस सर, और अब देखो 155 के बाद, 150 के बाद में इसने इसकी जो वैल्यू है ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में ये कितनी कर दी, जो कि मैक्सिमम वैल्यू है। मान लो 255 8 बिट का मान के चलेंगे तो 150 से ऊपर की सारी वैल्यूज हो जाएं मेरी कितनी, 255, और इससे 150 से नीचे के पिक्सल वैल्यू हो जाएं जीरो, तो इससे क्या हो जाएगा बताइए। ये इमेज कैसी इमेज हो गई, ये इमेज एक तरीके से मैं कहूँगा बाइनरी, या तो जीरो है या 255 है, इसमें दो ही तरीके के लेबल हैं, एक तो जीरो या 255। तो ऐसे इमेज को मैं क्या कहूँगा, जब दो ही लेबल हैं तो इसमें क्या कहेंगे, बाइनरी, बाइनरी इमेज कहेंगे। तो इस तरीके से इसे कहते हैं थ्रीशोल्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन। थ्रीशोल्डिंग वैल्यू क्या है हर्षित, इसमें यस सर, थ्रीशोल्डिंग है,
किस पॉइंट पर जा करके ये चेंज हो, ये एब्रप्टली चेंज हो रहा है, कौन सी इंटेंसिटी वैल्यू पर जा करके चेंज हो रहा है, जो इनपुट है, इनपुट है ना, इनपुट अपना कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 0 से 255, ये देखेंगे 0 से 255। अब हमने ये k की वैल्यू है, ऐसे कहेंगे थ्रेशोल्डिंग वैल्यू, तो 150 पर जाकर के एकदम एब्रप्टली चेंज हो रहा है, ये समझ में आ गया, ये जीरो ये कहाँ से चेंज हो रहा है एब्रप्टली, k इक्वल टू 150 पर एकदम जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे वैसे ही उसकी वैल्यू 255 हो जा रही है, चाहे वो 151 हो, 152 हो, 153 हो, अप टू 255 तक उसकी वैल्यू चेंज हो करके 255 हो गई, और उससे 150 से कम है तो वो जीरो कर दे रहा है, इसे थ्रेशोल्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन कहते हैं। अब देखिए ये पहले नंबर का देख लीजिए, कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग, इसमें हम देख रहे हैं कि शुरुआत के जो पॉइंट्स हैं, शुरुआत के इंटेंसिटी लेवल हैं 0 से 255, मान लो हमने पिक्सल्स लिए हैं तो ये शुरुआत में 0 से लेकर के 25-30 तक ये जीरो कर दे रहा है, ये बिल्कुल इसे टच कर गया एक्स एक्सिस से, और इसके बाद में फिर ये एकदम जंप मार रहा है, और जंप मार करके ये अपनी जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको अटेन कर रहा है, तो इस तरीके से ये 255 पर पहुंच गया, तो एकदम से ये जो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक इसने अपने वैल्यू को एकदम रेज किया है, तो इसे कहते हैं कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग। ये तीसरा जो इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन है, इसमें कई सारे फंक्शन इसमें इंक्लूड कर दिए हैं एक साथ में, लॉगरिथमिक लिया है, nth रूट लिया है, इंटेंसिटी लिया है, nth पावर लिया है, और इन्वर्स लॉग लिया है, तो आपने लॉग का जो फंक्शन का जो ग्राफ पढ़ा होगा वो किस शेप में जाता है, ये लॉग का ग्राफ तुमने पढ़ा है हर्षित? यस सर। तो ये लॉग का ग्राफ ऐसे ही जाता है? यस सर। अब इसमें जैसे इंटेंसिटी वैल्यू के जो ओरिजिनल इमेज की इंटेंसिटी वैल्यू है, यदि मैं हर एक इंटेंसिटी वैल्यू का लॉगरिथमिक ले लूं और वो मेरी आउटपुट बन जाए, तो इस तरीके से हम इसको क्या कह सकते हैं, इंटेंसिटी वैल्यू का लॉगरिथमिक निकालना, तो इसे हम कहते हैं लॉग ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन। ये पावर ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन है, इसमें पावर में अपन रीड करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, जैसे कोई पिक्सल मान लीजिए 90 है और 90 इंटू सी की पावर गामा, तो गामा की वैल्यू जो इसका जो पावर ले रहे हैं वो 0.04 ले रहे हैं, 0.01 ले रहे हैं, 0.02 ले रहे हैं, ऐसे करके अलग अलग हमने उसकी पावर पर अलग अलग उसका ट्रांसफॉर्मेशन लिया है, तो क्या क्या अंतर आता है सब में वो चीज़ की स्टडी की गई है, पीस वाइज लीनियर है ये, आगे पीस वाइज का मतलब है कि हमने जो इंटेंसिटी लेवल की जो रेंज थी उसको स्प्लिट कर दिया, और स्प्लिट करने के बाद में हमने देखा कि उस पर्टिकुलर स्प्लिट किए हुए जो सेगमेंट पर क्या फ़र्क पड़ रहा है, जैसे कि कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग है, इसमें यदि माउस कर्सर से आप देख सकते हो कि यहाँ से लेके और यहाँ तक ये हमने क्या किया है कि इसको वैल्यू को ये यहाँ से ये जो जीरो से लेकर के आर वन एस वन है वो तो रेंज वही आ रही है, यदि इनपुट यदि 20 है तो आउटपुट भी 20 आएगा, लेकिन बीच में हमने एकदम जंप करा दिया है, पिक्सल्स की वैल्यू को एकदम रेज करा दिया है, और फिर बाद में जा करके वही नॉर्मल कर दिया है,
तो इसे हम कहते हैं पीस वाइज लीनियर फंक्शंस, कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग कहते हैं इसको। इसे कहते हैं इंटेंसिटी लेवल स्लाइसिंग। इसमें क्या होता है कि हम किसी पर्टिकुलर पिक्सल्स के सेगमेंट को एकदम रेज कर देते हैं, तो ये बीच में ए पॉइंट ए से लेके पॉइंट वी तक की जो पिक्सल्स की वैल्यूज थी इनको हमने बढ़ा करके 255 कर दिया, और इधर जो लेफ्ट हैंड साइड में है उनको सप्रेस कर दिया जीरो, और वी से ऊपर है उनको सप्रेस कर दिया जीरो। तो जो पिक्सल की वैल्यू आएगी इसमें आउटपुट में तो जीरो आएगी या 255 आएगी, तो इससे हम बाइनरी इमेज भी कहते हैं। ये समझ में आ गया बाइनरी इमेज क्यों कहते हैं इसको? यस सर। अब इसमें क्या कह रहे हो कि आप इसमें भी क्या किया, हमने पीस लिया है बीच में जो एक टुकड़ा है इंटेंसिटी लेवल, यहाँ देखोगे तो जितना इनपुट है उतना ही आउटपुट आएगा ये इस ग्राफ में यहाँ तक, लेकिन ए से और बी के बीच में एकदम ग्राफ एक रेज कर जा रहा है, इसकी वैल्यू बढ़ जा रही है एकदम। तो और फिर उसके बाद में जो ग्राफ की वैल्यू इनपुट वैल्यू है वही आउटपुट आएगी। तो इस बीच में कोई पर्टिकुलर पोर्शन में वैल्यू को एकदम हम रेज करा रहे हैं, तो इस तरीके से भी इंटेंसिटी लेवल स्लाइसिंग हो सकता है। इसके बाद में आपको बिट प्लेन स्लाइसिंग मिलेगा। बिट प्लेन स्लाइसिंग में आप इंटेंसिटी लेवल ट्रांसफॉर्मेशन, इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन समझ में आ गए भाई? इसमें क्या करते हैं कि ओरिजिनल इमेज है, ओरिजिनल मैट्रिक्स है, इमेज की मैट्रिक्स है, उसमें हम कोई चीज इसमें ऐसा अप्लाई करते हैं कि पर्टिकुलर सेगमेंट यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू एकदम रेज होकर के 255 हो जाए, जैसे कि 110 से लेकर के 160 के बीच की वैल्यू रेज होकर के आ जाए, जैसे कि अभी हमने इस पे जैसे कि यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ मेरा माउस कर्सर यहाँ से मूव कर रहा है, इसको देख लीजिए। तो हमने अप्लाई किया एक फॉर्मूला कि भाई इस पर्टिकुलर सेगमेंट में वैल्यू बढ़नी है, तो हम क्या कर रहे हैं इंटेंसिटी जो हैं इनपुट इमेज की या ओरिजिनल इमेज की उस पर कुछ अप्लाई करके हम एक दूसरा आउटपुट इमेज मैट्रिक्स बना रहे हैं। तो इनपुट इमेज मैट्रिक्स में जो पिक्सल की वैल्यू है वो कुछ अलग रहेगी, और आउटपुट मैट्रिक्स जो होगी, आउटपुट इमेज मैट्रिक्स होगी, उसमें पिक्सल्स की वैल्यू अलग होगी। तो डेफिनेटली जब दोनों की पिक्सल वैल्यू अलग अलग जा रही हैं तो उसमें रिजोल्यूशन में भी फ़र्क आएगा, तो जहाँ डार्क था वहाँ हो सकता है ब्राइट हो जाए, और जहाँ ब्राइट था वहाँ डार्क हो जाए। इस तरह से फंक्शन यदि हम अप्लाई कर रहे हैं तो ऐसी चीज़ें आएंगी। तो कुछ चीज़ें हमने चाहता हूँ कि पर्टिकुलर जो सेगमेंट है वही वैल्यू हाईली यदि हम उसको देखना चाह रहे हैं तो क्या होगा कि मैं चाह रहा हूँ कि 200 से लेकर के 220 तक की वैल्यू मुझे साफ दिखें, बिल्कुल ब्राइटनेस में दिखें, तो मैं उनको डेफिनेट क्या कर दूँगा, 255 को सेट कर दूँगा उसको, 200 से लेकर 220 तक की वैल्यू 255 मूव कर दूँगा, तो मुझे वो ब्राइटनेस में दिखेंगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा वैल्यू पिक्सल की वैल्यू होती है जीरो से 255 तक जाएंगे तो हम ब्राइटनेस की तरफ आगे बढ़ते हैं, उल्टा जाएंगे तो डार्कनेस की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से ये मोटा मोटा आप समझ लीजिए इसको। आप लोगों को दिख रहा है बिट प्लेन स्लाइसिंग? यस सर दिख रहा है। ठीक है, देखिए हमने ज़्यादातर जो पिक्सल की वैल्यू, पिक्सल की साइज़ जो ली है वो 8 बिट ली है ना, और 8 बिट
जनरली हम यूज करते हैं साइज, इसका पिक्सल का यूजुअल जो एज यूजुअल साइज होता है वो 8 विट होता है। इसमें आप देखिए, मैंने यहाँ आपको दिखाया है 8 पहले तो इस पिक्सल की वैल्यू को समझ लीजिए क्या है। इसको कोई कन्वर्ट कर सकता है क्या, क्या कि ये 8 बिट है, एक पिक्सल की वैल्यू है बाइनरी, इसको आप कन्वर्ट करके दिखाओ जरा कि ये क्या है एक्चुअल में, इसकी न्यूमेरिक वैल्यू क्या आएगी डिजिटल डेसिमल में, सॉरी। कैलकुलेट कर रहे हो आप लोग? यस सर। देखो 187 आप इसको क्रॉस चेक कर लेना, मैंने तो देखा नहीं है, आएगा इसके आसपास ही, क्योंकि 128 तो वैसे ही हो गया, वो MSB है ना, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इसकी 1 दे रखी है, तो 128 तो वैसे ही हो गया। अब इसमें आप जोड़ लो इन चीज, थोड़ा थोड़ा ये जोड़ेगा तो वो 187 तक, ठीक है 187 हो गया है ना। अब एक्चुअली मैट्रिक्स जो होती है उसमें रो और कॉलम होते हैं, रो और कॉलम होते हैं तो पिक्सल्स की वैल्यूज लिखी हुई होती हैं, तो रो और कॉलम के फॉर्म में लिखी रहती हैं, उसमें इस नंबर के रो पर, इस नंबर के कॉलम पर ये वैल्यू, रो नंबर 2 कॉलम नंबर 36 वैल्यू दिस, ठीक है, इस तरह से लिखी रहती हैं। मैं मान के चल रहा हूँ इसमें, ये जो प्लेन देखो मेरा ये कर्सर जो मूव कर रहा है, इसको देख लीजिएगा जरा, ये क्या है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है ये, है ना, वो सॉरी ये प्लेन है आपका, कितने प्लेन है, पहले प्लेन पर ही चर्चा करते हैं, ये एक प्लेन है, इस प्लेन में एक एक लेवल की बिट्स इसमें आएंगी, हम मान रहे हैं MSB जो है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो इसमें आएंगी, 7वीं बिट इसमें आएगी, इससे नीचे का है, कितने प्लेन हो गए ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल नंबर ऑफ प्लेन्स जो हैं वो 8 हैं, तो हर एक प्लेन में एक एक पिक्सल की एक बिट समा जाएगी, इससे आप सहमत हैं कि नहीं है? अभी ये जो पिक्सल की वैल्यू ली है हमने, कितनी पिक्सल बाइनरी में वैल्यू कितनी है पिक्सल की, 187 वाले की 8 पिक्सल 8 बिट है ना इसकी, हाँ ये लिख रहा है 10111011, ये भी तुमने जो कन्वर्ट किया है, कितने कितने पिक्सल है, कितने इसमें बाइनरी में कितनी बिट है इसमें, 8 है ना। तो मैं यदि इस पिक्सल की ऐसे पिक्सल मेरे पास 4 हैं, पहली बात ये मान के चलो, जो साइड में कैलकुलेशन मैंने कर रखी है दिखाया गया है ना, तो ये हमने एक एक प्लेन दिखाया गया है, और एक प्लेन कितने पिक्सल की वैल्यू कितनी है आपको इससे दिख रही है, अंदाजे से आप बता सकते हो कि इस पे पिक्सल की वैल्यू इतनी होंगी, क्योंकि एक प्लेन पर मैंने 4 बिट दिखाई गई हैं, तो हर एक पिक्सल की 8वीं बिट ऊपर ही ऊपर होगी, 7वीं बिट सेकेंड लास्ट में होगी, थर्ड लास्ट में 6वीं बिट होगी, और ऐसे ऐसे करके नीचे आ जाएंगे, तो जो फर्स्ट बिट है वो नीचे नीचे की लीस्ट LSB प्लेन में होगी, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, समझ में आ रहा है क्या?
नो देखो हमने कितनी वैल्यू मान के चली, चार वैल्यू, चार वैल्यू मान के चल रहे हैं हम शुरुआत में, है ना। पिक्सल कितनी है, चार पिक्सल है केवल। अब एक पिक्सल मैंने यहां से उठा करके दिखाया है, ये पिक्सल चार पिक्सल हम मान के चल रहे हैं और आठ बिट प्लेन है, मतलब एक कितने बिट हम इसमें समा सकते हैं। पहली पहले बिट प्लेन में जो इसकी एलएसबी आ जाएगी, यहां से समझ लो एलएसबी क्या है इसमें। एलएसबी वन ओके है, ठीक है। ये वन उठा करके यहाँ रख दीजिए मेरे कर्सर पे, माउस के कर्सर पर ध्यान दीजिए। ये जो वन है, इस वन को यहाँ से उठा करके कहाँ रख दीजिए, इस प्लेन पे रख दीजिए। एक बिट इसमें चली गई मेरी, एक मैं एक पिक्सल की बात कर रहा हूँ। यहाँ चार पिक्सल हमने होल्ड कर रखे हैं एक प्लेन पे। देखो ये दूसरे पिक्सल का है, ये तीसरे पिक्सल का है, ये चौथे पिक्सल का है, चार पिक्सल की बिट है इसमें। लेकिन मैं एक एक पिक्सल से ही समझाऊंगा, समझा पाऊंगा, क्योंकि इसमें आठ एक साथ नहीं जाएंगे और चार एक साथ हम नहीं स्टडी कर सकते। तो देखो वन कहाँ आ गया, वन एलएसबी में आ गया। फिर क्या आ रहा है बताइए, क्या है वन के बाद में, क्या है वन ये वन यहाँ आ गया। फिर बताइए क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, जीरो जीरो जीरो। तो जीरो यहाँ आ गया, ये जीरो है, कर्सर पर ध्यान देना। फिर उसके बाद में जीरो के बाद में क्या आ गया, वन वन। तो ये वन यहाँ आ गया किनारे पर, ये रहा वन। फिर इसके बाद में क्या आ रहा है, यहाँ से देखिए क्या आ रहा है वन के बाद में, वन वन यहाँ आ गया। हम कौन सी बिट की बात कर रहे हैं, देखो तीन छठवीं बिट जो है लेफ्ट हैंड साइड उधर से राइट हैंड यस साइड टू, हाँ, राइट हैंड साइड से ले राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड मुड़े या मूव करें, तो छठवीं नंबर की बिट क्या है, सातवें नंबर की। कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं आप देख लीजिएगा कि हम मूव कर रहे हैं राइट हैंड साइड, वो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव कर रहे हैं। तो सातवें नंबर पे कौन सी बिट है, RHS टू LHS जा रहे हैं, LHS टू RHS जाएंगे तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे। मैं कह रहा हूँ राइट टू लेफ्ट चलना है, तो बिगिनिंग में इसकी तो बताइए कौन सी सातवें नंबर की बिट कौन सी है इसकी। देखो ये तुम्हारा RHS टू LHS जाएंगे तो पहली बिट पड़ेगी वन, फिर वन, फिर जीरो, फिर वन, फिर वन, फिर वन। बताओ सातवें बिट पे क्या आ रहा है, सातवें जीरो सर जीरो आ गई। अब जीरो सात, हाँ सातवीं जीरो आ गई, तो ये यहाँ रखिए, ये जीरो यहाँ रखिए ना। और फिर आठवीं पर जो है वो क्या है, वन वन। तो ये यहाँ वन आ गया ना भाई, ये वन ही रहा। तो ये मैंने गोला कर करके इन सर्कल किया हुआ है, तो इसकी पिक्सल, इसकी सॉरी विट्स को विट, इसकी जो बिट है ना LSB टू RSB जाएंगे या राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे, बात एक ही है। तो वो मैंने आठ बिट आठ प्लेन में डाल रखी हैं, अलग अलग प्लेन में आठ बिट डाल रखी हैं। तो सबसे पहले LSB डाल रखी है, बन डाल दिया, ये देखिए यहाँ देखोगे ये बन डाल दिया LSB। फिर दूसरे नंबर पर जाएंगे तो फिर बन आ रहा है, फिर जीरो आ रहा है, देखो जीरो यहाँ आ गया तीसरे नंबर पे, यहाँ यहाँ ये जीरो मैंने यहाँ डाल दिया। ये समझ में आया कि नहीं आया बताइए। ये सर आ गया। समझ में आ गया आप सभी लोगों के में।
देखो इसको और अच्छा समझने के लिए दबी हुई आवाज में बोल रहे हैं। देखो इसमें अपन क्या करते हैं, कभी सिक्योरिटी में पढ़ाऊंगा आपको, तो इमेज की सिक्योरिटी हम कैसे कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि इमेज की जो 8 बिट है चलो पहले इसी को समझो। इसमें एक बात बताइए आप मुझे, चार पिक्सल है तो टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितनी हो गई? सर टू। चार पिक्सल हैं, टोटल नंबर ऑफ बिट, नहीं नहीं ऐसे नहीं, पिक्सल में कितनी बिट है एक में, तो चार पिक्सल में कितनी हो गई जो स्टोर करने हैं चार पिक्सल, तो कितने बिट मुझे स्टोर करने पड़ेंगे? चार पिक्सल, एक पिक्सल में कितनी बिट होती हैं, तो चार में कितनी होंगी, कितनी हो गई? अरे एक एक पिक्सल की वैल्यू दे रखी है ना इसमें, मैंने इसमें जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, एक पिक्सल में मुझे कितने बिट स्टोर करने पड़ रहे हैं, कितने करने पड़ रहे हैं? हाँ एट, एट है, तो एट है तो चार पिक्सल में कितने, चार पिक्सल ये मेरा साइड में कितने, तो चार पिक्सल लेके चल रहा हूँ ना मैं, तो ये कितने कितने बिट इसमें चार पिक्सल के लिए जरूरत होगी? 32 की जरूरत होगी ना एक के लिए, एक चार आठ बिट चाहिए एक पिक्सल के लिए, और मैं चार पिक्सल स्टोर कर रहा हूँ तो मुझे 32 बिट चाहिए। अब ये बताइए ये 32 हैं कि नहीं, पहले तो ये इंश्योर कर लिए कि 32 के 32 इसमें समा रही है कि नहीं समा रही बिट, क्योंकि एक प्लेन पर चार बिट हैं हर एक पिक्सल के रिगार्डिंग, तो आठ ये प्लेन है तो इसमें कितने आ जाएंगे, एक पर चार आ रहे थे 32, तो मेरा ये काम बन गया कि भाई चार पिक्सल को मैं अकोमोडेट कर सकता हूँ उस पे प्लेन पे, क्योंकि मेरे पास में जो प्लेन दे रखा है एक प्लेन पर चार बिट आ रही है और आठ प्लेन है, तो 8 × 4 इज इक्वल टू 32, तो 32 बिट्स इन प्लेन्स में समा सकती हैं। पहले तो ये समझ में आ गया कि चार पिक्सल ऐसे इसमें समाएंगे, उसके चार टुकड़े कर लिए और चार टुकड़े करके फिर ऐसे समा रहे हैं वो। अब हर एक पिक्सल की अपनी अपनी राम ऐड है, क्योंकि हर एक पिक्सल में बिट पैटर्न अलग है, इसमें दे रखा है 1011101, दूसरे में आएगा 1000111, हो सकता है तीसरा प्लेन, तीसरा जो पिक्सल है उसकी जो वैल्यू है वो अलग ही है 1010101, और चौथा पिक्सल है उसकी वैल्यू अलग आ रही है 0010001, सबका अलग होगा कि नहीं होगा मेरे लिए बताइए पहले, तो चार पिक्सल के अलग आएगा? यस सर। अब चारों पिक्सल का, एक पिक्सल का करके मैंने दिखा दिया तुम्हें, एक पिक्सल का जो LSB है वो नीचे नीचे वाले प्लेन में जाएगी और MSB है वो सबसे ऊपर वाले में जाएगी, और बीच वाले वो एक के बाद क्रमिक रूप से उसमें स्टोर होंगी। छठी भी बिट छठवें प्लेन, पांचवी बिट पांचवें प्लेन, चौथी बिट चौथे प्लेन, तीसरी बिट तीसरे प्लेन, दूसरी बिट दूसरे प्लेन, और पहली बिट पहले प्लेन, और आठवीं बिट आठवें प्लेन में हम स्टोर करते हैं। अब ये समझ में नहीं आया हो तो बताओ। सर आ गया समझ। हाँ ठीक, तो आज अपन इतना ही पढ़ेंगे है ना, एक बुक है तुम्हारे पास नहीं हो तो एक लिख लीजिए,
बहुत ही बढ़िया बुक इसके लिए मानी जाती है। ये गोंजलेस करके तुमने सुना है कि नाम? नो सर। देखो ये लिख लो, ये तुम्हें ऑनलाइन सर्च करना है इसको। ये लाइब्रेरी में है पर लाइब्रेरी से तो कोई मतलब रहेगा नहीं, तो ऐसा करना कि ऑनलाइन मिल जाए बुक तो बहुत अच्छी बात है। तो इसका टाइटल है डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। हाँ, और इसका जो राइटर है ऑथर है वो दो हैं, इनके मैं सरनेम लिखा देता हूँ, इसी से पकड़ में आ जाएगी ये बुक, है ना। तो लिख लीजिए गोंजलेज एंड वुड्स। तो गोंजलेज लिखेंगे पहले, जी ओ एन जी ओ एन जेड ए एल ई जेड गोंजलेस। एक राइटर का सरनेम ये है, दूसरे राइटर का सरनेम है बुड्स, डब्लू डब्लू डी एस डब्लू डब्लू डी एस गोंजलेस एंड बुड्स। आप लोगों ने नोट किया? Yes, sir. ठीक है ना, ये बुक आप सर्च कर लो उस पर नेट पे, बहुत ही अच्छी बुक है ये। सब कुछ इसमें टॉपिक वगैरह अच्छे दे रखे हैं और तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी, कहीं पढ़ करके समझ भी लोगे इसको, है ना। Yes, sir. ठीक है, ओके।